फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का राधा की रसोई में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पनीर दो प्याजा की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हम आपको आज बनाकर बताएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पनीर दो प्याजा बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है, ये हमने 500 ग्राम पनीर ले लिया है, जिसके हमने कुछ इस तरह से टुकड़े काट लिए हैं बड़े बड़े से, और यहाँ बारीक प्याज हमने काट लिया है 4 से 5 प्याज। 4 से 5 प्याज का हमने कुछ इस तरह से प्याज कट कर लिया है, और यहाँ पर हमने 2 बड़े टमाटर लिए हैं, और ये छोटी कटोरी एक हमने दही लिया है, फ्रेश दही, बिल्कुल खट्टा बिल्कुल नहीं है। हरी धनिया थोड़ी सी, और ये 2 खड़ी लाल मिर्च सूखी, और बाकी हमने ग्रीन मिर्च लिए हैं, और यहाँ पर लिया है कुछ हमने मसाले, जिसमें है 2 तेज पत्ता, जिसको हमने टुकड़ों में कट कर लिए यानी तोड़ लिए हैं, और ये जीरा 1 चम्मच, कसूरी मेथी 1 चम्मच, 1 कटोरी देसी घी, ये जीरा पाउडर 1 चम्मच, सौंफ पाउडर 1 चम्मच, और ये अदरक और लहसुन का थोड़ा सा हमने इसको चॉपर से चॉप कर लिया है, काफ़ी बारीक सा कुछ इस तरह से। और यहाँ पर हमने लिए खड़े मसालों में 2 छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने एक कढ़ाई में हमने सरसों का ऑयल लिया है, और पहले तो हम पनीर फ्राई करेंगे। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा आपको हम ये पनीर दो प्याजा की रेसिपी हम बता रहे हैं, बनाकर आपको दिखा रहे हैं, आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा ऑयल गर्म हो जाए फिर आगे दिखाते हैं। यहाँ देखिए ऑयल में धुआं भी उठने लगा है। इसी तरह से ऑयल को हम गर्म करेंगे और इसमें डाल देंगे पनीर। पनीर को आप ज़्यादा या कम कैसे भी फ्राई कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। हम सारा पनीर डालकर ऐसे ही फ्राई कर लेंगे, और कुछ इस तरह से हम पनीर को फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन, और सारा पनीर हम पानी में डाल देंगे। पानी में डालने से पनीर बिल्कुल सॉफ्ट रहता है। इस तरह से सारे पनीर को हम पानी में डाल देंगे, फिर आगे दिखाते हैं आपको। और यहाँ पर हमने ऑयल को थोड़ा कम कर दिया है, थोड़ा सा हम घी डालेंगे इसी में। आप सरसों का तेल के सरसों के तेल अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें जो खड़े मसाले हमने लिए थे ये सारे डाल देंगे। ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया था तो हमने ऑफ कर दी थी गैस को, और इसी में डाल देंगे हम तेज पत्ता, थोड़ा सा हम जीरा डालेंगे आधा, और जीरा डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे ये प्याज जो हमने बारीक काटा हुआ था, और इसको हम गोल्डन ब्राउन भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना है, डार्क कलर नहीं करना है। चलिए इसको हम भून लेते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का, जो हमने चॉपर से चॉप किया था, और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा आता है। और इसको भूनने के बाद, ज़्यादा हमें नहीं भूनना है क्योंकि ये ज़्यादा नहीं भूनने जाते हैं। अब हम इसी में डाल देंगे टमाटर जो हमने बारीक कट किया था। टमाटर डालने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे ये नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसको मिक्स करके हम
अच्छे से पका लेंगे। इसको टमाटर को बिल्कुल गल जाना चाहिए, ऐसे ही हम पका लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर आधी चम्मच और इसको भी हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा ढककर पकाएंगे ताकि ये टमाटर गल जाए। अब हमने जो दही लिया था इसको हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर, सौंफ पाउडर, सौंफ को हमने ज़्यादा बारीक नहीं किया है, और ये लाल मिर्च, और यहाँ पर डालेंगे धनिया पाउडर दो चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी से ग्रेवी गाढ़ी होगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। और जो हमने घी डाला है, घी की जगह आप बटर भी ले सकते हैं, लेकिन घी ज़्यादा सही होता है इसमें। और यहाँ देखिए टमाटर भी हम चेक कर लेते हैं, टमाटर भी गल चुके हैं। अब हम इसमें ये दही वाला जो हमने पेस्ट बनाया है इसको हम डाल देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद एक मिनट भून लेंगे इसको भी, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और जो हमने इसमें मसाले डाले हैं वो भी अच्छे से भून जाएं। थोड़ा बिल्कुल स्लो मीडियम करके हम गैस को, और इसको ढककर पकाएंगे थोड़ी देर। और यहाँ देखिए हमने जो दही डाला था बिल्कुल फटा नहीं है, बहुत अच्छे से ये भुन गया है। थोड़ा सा इसको बिल्कुल स्लो आंच में हम इसको उस साइड चढ़ा देंगे, और इधर हम प्याजा की तैयारी कर लेंगे। इसको बिल्कुल स्लो कर देंगे गैस को। और इस कढ़ाई को हम इस तरफ चढ़ा देंगे, और यहाँ लेंगे एक पैन, पैन में हम प्याजा तैयार करेंगे। अब हम पैन में डालेंगे घी, घी डालने के बाद डालेंगे इसमें जीरा, गैस को स्लो कर देंगे। जीरा चटकने के बाद अब हम डालेंगे इसमें खड़ी मिर्च, ये हरी मिर्च, और इसको भी भून लेंगे। यहाँ हम डालेंगे थोड़ी सी दरदरी सूखी धनिया, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसका। ध्यान रहे आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हम बता रहे हैं, आप लोग भी ट्राई जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा बना है। हमको बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं हमारी रेसिपी का। इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला, और इसको हम थोड़ा सा चला देंगे, और इसमें डाल देंगे प्याजा। प्याजा को भी हम हल्का सा सौटे करेंगे, ज़्यादा सौटे भी नहीं करना है। चलिए यहाँ देखिए प्याजा भी थोड़ा सा सौटे हो गया है, इसको हम अलग हटा कर रख देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे ग्रेवी के लिए पानी। पानी अपने आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, गाढ़ी पतली जैसे भी ग्रेवी आपको खानी हो इसकी, वैसे इसकी ग्रेवी तो गाढ़ी होती है। और इसको हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे, इसको बॉईल होने देते हैं।
इसमें डाल देंगे पनीर। पनीर का हम सारा पानी निकाल कर डालेंगे, पानी हमें बिल्कुल नहीं डालना है, सिर्फ पनीर पनीर डालेंगे हम इसमें। अब हम इसमें डाल देंगे प्याजा। इसका मसाला भी हम डाल देंगे इसी में और इसको कर देंगे मिक्स। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है पनीर दो प्याजा की, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, हम रेस्टोरेंट में बैठे हैं। अब इसको हम 5 मिनट के लिए बॉयल होने देंगे, थोड़ा सा ढक देंगे ताकि ये अच्छे से ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर ले। और यहाँ देखिए 5 मिनट तक हमने इसको अच्छे से बॉयल कर लिया है। अब हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी, इसको हाथ से क्रश करके डालेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। ऐसे करने से जो मोटी मोटी सी डंडियां थोड़ी सी बचती हैं वो बाहर हो जाती हैं, निकाल देते हैं हम इनको। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब तो और अच्छी स्मेल आने लगी इसकी महक। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसमें डालेंगे धनिया हरी, हरी धनिया डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। और देखिए बिल्कुल रेडी है ये सब्जी पनीर दो प्याजा की। अब हम इसको कर लेते हैं सर्व, एक बाउल में सर्व करेंगे। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बनी है सब्जी, बनकर तैयार हो गई है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ देखिए पनीर दो प्याजा की सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है, आइए आप लोग भी खाइए। अगर ये हमारी रेसिपी पनीर दो प्याजा की आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट्स सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।